नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, मनरेगा पोर्टल दोस्तों हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स देखे जाते हैं, तो उसी के तारतम्य दोस्तों ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के संबंध में एक बहुत ही जरूरी आवश्यक जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं, आदेश निकाला गया है। तो दोस्तों अब हमें क्या आगे करना है आधार आधारित भुगतान प्रणाली में, ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में, तो पूरी जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि एक एक कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आप सभी को मनरेगा पोर्टल की वेबसाइट तो पता ही है, आपको सीधे सीधे क्या टाइप करना है गूगल सर्च या ब्राउज़र के URL में NREGA.NIC.IN क्या टाइप करना है NREGA.NIC.IN, ठीक है। ये टाइप करने के बाद आपके सामने इस तरह से जो है मनरेगा पोर्टल की वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं मनरेगा पोर्टल पर, जिसमें सारे वीडियोस बने हैं और छोटे से बड़े अपडेट सभी से मैं जो है हमेशा आपको अवगत कराते रहता हूं। तो आज दोस्तों जो स्पेशल आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है ABPS, उस पर जो महत्वपूर्ण लेटर निकला है और क्या क्या कार्रवाई हमें करना है, तो उस पर हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये निकला है मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था से यह आदेश निकला है। दोस्तों क्रमांक आप देख सकते हैं, दिनांक 21/4/2023, मतलब आज ही के दिन ये जो है आदेश निकला है। प्रति कलेक्टर जिला कार्यक्रम स्वयंवेक महात्मा गांधी नरेगा, दूसरा है मुख्य कार्यक्रम अधिकारी CEO जिला पंचायत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम स्वयंवेक जिला समस्त मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों विषय यही है महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आधार आधारित भुगतान, ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS की अनिवार्यता के संबंध में, ठीक है। पूरा चीज जो बात होगी ABPS के संबंध में ही होगी। तो भारत सरकार दोस्तों, ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो लागू जो होगा ये प्रत्येक स्टेट के लिए होगा, प्रत्येक राज्य के लिए होगा। तो पूरे राज्य के जो है आधारित अधिकारी कर्मचारीगण भी और आम हितग्राही भी पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें भारत सरकार का से भी जो है निर्देश प्राप्त हुए, उसके बाद ही ये आदेश निकला है। तो भारत सरकार से प्राप्त निर्देश अनुसार महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान आधार आधारित करने के लिए अनिवार्यता है। आधार आधारित भुगतान में गति लाने के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाए, क्या क्या करना है कार्रवाई। तो पहला है नरेगा सॉफ्ट में मजदूरों के सीट किए गए आधार का डेमोग्राफिक सत्यापन, जो हमने मनरेगा पोर्टल पर जो आधार अपडेट करे हैं जॉब कार्ड में, उसका डेमोग्राफिक सत्यापन करना है। मतलब वर्तमान में आधार आधारित भुगतान की प्रगति हेतु सर्वोत्तम यह आवश्यक है कि नरेगा सॉफ्ट में सीट किए गए आधार की जानकारी जॉब कार्ड में दर्ज मजदूर की जानकारी से मिलान होकर आधार का डेमोग्राफिक सत्यापन शत प्रतिशत होना चाहिए। मतलब हमें जो है जो जिस व्यक्ति का जॉब कार्ड है उसके घर जाकर भी हमें देखना है कि बिल्कुल जो उसके पास जॉब कार्ड है वही जॉब कार्ड हमने जो है ऑनलाइन फीडिंग करी है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक जो है दोस्तों सत्यापन करना है, मतलब ऑनलाइन फीडिंग और जो हितग्राही है जो भी जॉब कार्ड धारी है उनके पास जो जॉब कार्ड है वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल नाम भी सेम होना चाहिए, वैसा का वैसा ही फीड होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर बिल्कुल सही फीड होना चाहिए। तो डेमोग्राफिक सत्यापन शत प्रतिशत होना चाहिए। दूसरा है बैंक स्तर से कराए जाने वाले कार्य, बैंक स्तर से क्या क्या कार्य कराए जा सकते हैं, वो है महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मजदूरों के नरेगा सॉफ्ट में सीडेट आधार का सत्यापन तथा बैंक या पोस्ट ऑफिस बैंक स्तर से की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में राज्य स्तरीय बैंक पोस्ट ऑफिस के साथ बैठक दिनांक 16/2/2023 का कार्रवाई विवरण मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा सभी जिलों को प्रेषित किया गया है। तदनुसार बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में आधार सीडिंग एवं NPCI मेपर हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जो ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है इसमें NPCI का महत्वपूर्ण रोल है। मतलब हमें जो बैंक में है दो फॉर्म भरने, एक तो आधार लिंकिंग का फॉर्म और एक आता है जो ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए जो फॉर्म आता है वो आता है DBT का, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, जिससे कि NPCI मैप होता है। ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है NPCI मैपर से मैपिंग होती पूरी, तब जाकर जो है आधार आधारित भुगतान होता है। मतलब सीधे हमने आधार कार्ड देखकर भुगतान किया और वो आधार से जो लिंक है खाता उसमें
सीधे जो है पैसा चले जाता है। ठीक है, बिल्कुल खुली बात हमें यह है कि हमें बैंक में जाकर दो फॉर्म भरना है, एक तो आधार लिंकिंग का और एक डीबीटी का फॉर्म जो कि एबीपीएस एनपीसीआई होगा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से होगा और एनपीसीआई सर्वर से मैप होगा। ठीक है, तो ये जरूर करना है। अब तो दोस्तों डेली हम यही कार्य कर रहे हैं तो अच्छे से फेमिलियर हो ही गए होंगे। इसके बाद जिला जनपद स्तर पर आधार आधारित भुगतान कराने में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए सतत रूप से राज्य स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी के माध्यम से जिला एवं जनपद पंचायतों को निर्देश मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नरेगा सॉफ्ट में मजदूरों के आधार सत्यापन में आने वाली समस्याओं के निराकरण का विवरण भी संलग्न है, वो भी हम अभी देखेंगे क्या क्या समस्याएँ हैं और उनका सॉल्यूशन क्या क्या है। चौथा पॉइंट है, उपरोक्त अनुसार जनपद स्तर से 100% आधार डेमोग्राफी सत्यापन की कार्रवाई उपरांत आधार आधारित भुगतान हेतु बैंक स्तर से किए जाने वाले कार्य को दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा ली जाए। ठीक है, तो अभी आज जैसे 21 तारीख है तो अभी 9 दिन और हैं तो 30 अप्रैल तक पूरा कार्रवाई पूरी हो जाए। एबीपीएस एनपीसीआई डीबीटी, ठीक है, तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई मेपर, एनपीसीआई से मैपिंग करना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना। ठीक है, आधार आधारित भुगतान के अभाव में यदि मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्डधारी परिवार को कार्य से वंचित हो किया जाता है अथवा भुगतान में विलंब होता है तो जिला स्तर पर उक्त कार्य को कराने की जिम्मेदारी लेखाधिकारी जो मनरेगा के रहते हैं, जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की होगी। माह अप्रैल 2023 की मासिक ग्रेडिंग में आधार आधारित भुगतान की एबीपीएस की प्रगति को शामिल किया जाएगा। तो आयुक्त महोदय, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद से पूरा आदेश निकाला जा चुका है दोस्तों, हमने पूरा आदेश देखा। अब हम कुछ एफएक्यू देखेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जो कि इसमें कुछ समस्या आती है उसका निराकरण क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। उसके पहले हम एक छोटा सा आदेश और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद से जो निकला है क्रमांक देख सकते हैं, प्रतिलिपि सभी को दी जा चुकी है, जो आज आदेश निकला है इसी की प्रतिलिपि प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है, उसी का ये आदेश है। ठीक है, अब हम चलिए एफएक्यू पर आते हैं। तो दोस्तों आधार का डेमोग्राफिक सत्यापन है तो आवश्यक विकल्प, डेमोग्राफिक सत्यापन हमें क्या क्या देखना है ये देख लेते हैं। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाए कि नवीनतम अद्यतन मतलब अपडेट आधार अनुसार प्रविष्टि नरेगा सॉफ्टवेयर पर की जा रही है। इस हेतु क्या करना है, आधार पोर्टल से संबंधित का अद्यतन आधार की प्रति प्राप्त की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, जो UIDAI का पोर्टल है myadhar.uidai.gov.in, इससे हम जो है अपडेटेड आधार की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी आपको वेबसाइट बता दी है। नरेगा सॉफ्ट पर श्रमिकों के डेमोग्राफिक सत्यापन हेतु PO लॉगिन पर D36 पर बल्क अपडेट आधार का विकल्प उपलब्ध है। संबंधित समय का आधार कार्ड अद्यतन करने के उपरांत वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। ठीक है, अद्यतन मतलब अपडेट करने के उपरांत वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। विवरण सही होने पर संबंधित श्रमिक की रो हरे रंग से परिवर्तित होगी, जो उसकी पूरी जो लाइन है वो हरे रंग में परिवर्तित होगी, हमने देखा भी है। सत्यापन सेव करने हेतु सेव बटन पर क्लिक करें। ग्राम पंचायत या PO लॉगिन विकल्प बल्क अपडेशन ऑफ आधार सीडिंग या ऑथेंटिकेशन, जो मैंने आपको बताया भी है वीडियो में, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कैसे करना है बल्क अपडेशन पूरे आधार कार्ड के। डेमोग्राफिक सत्यापन फेल होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, श्रमिक का जेंडर नरेगा सॉफ्टवेयर त्रुटिपूर्ण होना, मान लीजिए फीमेल को मेल कर दिया, मेल को फीमेल कर दिया। ठीक है, यदि नरेगा सॉफ्टवेयर श्रमिक का जेंडर त्रुटिपूर्ण दर्ज है तो इस स्थिति में आवश्यक विकल्प जनपद स्तर पर PO लॉगिन पर उपलब्ध है। विकल्प के माध्यम से डेमोग्राफिक सत्यापन के समय जेंडर का मिलान न होने पर भी सत्यापन किया जा सकेगा। PO लॉगिन विकल्प अपडेशन ऑफ आधार विथ जेंडर सिलेक्शन, ये इस ऑप्शन से हम जो है जेंडर सही कर सकते हैं, अपडेशन ऑफ आधार विद जेंडर सिलेक्शन, ये PO लॉगिन से होगा, जनपद के लॉगिन से होगा। फिर है जॉब कार्ड में प्रविष्ट श्रमिक के नाम तथा आधार अनुसार नाम में भिन्नता होना, मतलब जॉब कार्ड में प्रविष्ट श्रमिक का नाम कुछ अलग है, मतलब पूरा नहीं है, और मान लीजिए आधार अनुसार नाम कुछ अलग है, ठीक है, थोड़ी सी भी भिन्नता है तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो जॉब कार्ड में प्रविष्ट श्रमिक के नाम तथा आधार अनुसार नाम में भिन्नता होने की स्थिति में श्रमिक का डेमोग्राफिक सत्यापन का विकल्प जिले स्तर पर उपलब्ध विकल्प से किया जा सकेगा। तो जब हमें ये सिचुएशन आएगी तो जिले स्तर पर इसका जो है सत्यापन किया जा सकेगा DPC लॉगिन। ठीक है, विकल्प क्या होगा, अपडेट आधार ऑफ वर्कर्स हुज नेम इन जॉब कार्ड एंड आधार कार्ड आर मिसमैच, तो अपडेट आधार उनके हो रहे हैं जिन ऐसे वर्कर के जिनके नाम जॉब कार्ड में अलग हैं और आधार कार्ड में अलग है, मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से हो पाएगा।
फिर ये दर्ज किया जा रहा आधार किसी अन्य श्रमिक में त्रुटिपूर्ण रूप से प्रविष्ट है। मान लीजिए दोस्तों, कई बार होता है कि जब ऊपर से दबाव आता है, ऊपर लेवल से जो कार्यालय है उनसे हमको दबाव आता है ग्राम पंचायत लेवल पर, तो हो सकता है कभी कभी हम गलत श्रमिक को दूसरे श्रमिक का जो है आधार कार्ड अपडेट कर देते हैं। कई बार त्रुटिपूर्ण हो जाता है कि दर्ज किया जा रहा आधार किसी अन्य श्रमिक में त्रुटिपूर्ण रूप से प्रविष्ट हो गया, तो उसका क्या सोल्यूशन है वो हम देख लेते हैं। यदि दर्ज किए जाने वाले आधार क्रमांक किसी अन्य श्रमिक में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज है, तो सर्वप्रथम ये पता किए जाना आवश्यक होगा कि आधार किस श्रमिक के विरुद्ध दर्ज है। इस हेतु आवश्यक पीओ एवं डीपी से लॉगिन, मतलब जनपद लॉगिन में, ब्लॉक लॉगिन में और डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर उपलब्ध विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। इस विकल्प में जिस श्रमिक हेतु गलती से आधार दर्ज हो गया है, उस श्रमिक का सही आधार प्रविष्ट किया जाना होगा, तत्पश्चात पूर्व श्रमिक हेतु उस आधार की प्रविष्टि की जा सके। पीओ लॉगिन पर यह है एडिट अपडेट रॉन्गली एडेड आधार, यह ऑप्शन आता है एडिट अपडेट रॉन्गली एडेड आधार। डीपीसी लॉगिन पर आता है रिमूव रॉन्गली एडेड आधार एंड एडिट टू करेक्ट वर्कर। ठीक है, बहुत अच्छे ऑप्शन है दोस्तों पीओ लॉगिन पर भी और डीपीसी लॉगिन पर भी। तो क्योंकि पीओ लॉगिन पर एडिट करने के लिए, सुधार करने के लिए और अपडेट करने के लिए, अद्यतन करने के लिए जो कि रॉन्गली एडेड आधार हो गए हैं, जो कि गलत आधार ऐड हो चुके हैं, और डीपीसी लॉगिन पर तो सीधे है रिमूव रॉन्गली एडेड आधार, तो सीधे रिमूव करें, हटाएं वहाँ से जो भी रॉन्गली एडेड आधार हो गए हैं और ऐड इट टू करेक्ट वर्कर, जो आधार जिस वर्कर का सही वर्कर का है उसको ऐड करें। ठीक है, उसमें आधार को ऐड करें। बहुत अच्छे अपडेशन है यहाँ पर पीओ डीपीसी लॉगिन पर। तो ये हमने देखा, इसके बाद उक्त की पुष्टि के उपरांत भी डेमोग्राफी सत्यापन फेल हो रहा है तो क्या करना है। संभव है कि श्रमिक के आधार कार्ड आधार सर्वर पर अद्यतन अपडेटेड कराया गया है, इस हेतु आधार पोर्टल संबंधित का अद्यतन आधार की प्रति प्राप्त की जा सकती है वही myaadhar.uidai.gov.in पर। उक्त अनुसार अद्यतन अपडेट आधार प्राप्त करते हुए नरेगा सॉफ्ट आधार का विवरण अद्यतन करते हुए डेमोग्राफी का सत्यापन किया जाए तो ग्राम पंचायत लॉगिन पर भी रहेगा और पीओ लॉगिन पर भी, विकल्प वही है बल्क अपडेशन ऑफ आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन। ठीक है, डेमोग्राफिक सत्यापन सक्सेसफुल होने के बाद भी एबीपीएस नहीं होने की स्थिति, मान लीजिए डेमोग्राफिक सत्यापन भी हमारा सक्सेसफुल हो गया लेकिन फिर भी आधार आधारित भुगतान प्रणाली के अंतर्गत जो है पेमेंट नहीं जा रहा है, एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो है पेमेंट नहीं जा रहा है, तो फिर पीओ लॉगिन मतलब जनपद या ब्लॉक लॉगिन पर उपलब्ध विकल्प एनपीसीआई मेपर चेकर फेल्ड केसेस रिपोर्ट के माध्यम से एनपीसीआई मेपर अर्थात बैंक द्वारा आधार डीबीटी हेतु लिंक नहीं होने के कारण ज्ञात किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर ये सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ भी जुड़ा हुआ है जनपद लॉगिन पर, पीओ लॉगिन पर, कि एनपीसीआई मेपर चेकर फेल्ड केसेस रिपोर्ट, इसमें देख सकते हैं कि माध्यम से एनपीसीआई मेपर अर्थात बैंक द्वारा आधार डीबीटी हेतु लिंक नहीं होने के कारण ज्ञात किया जा सकता है कि क्यों डीबीटी लिंक नहीं किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए क्यों इस खाते को एक्टिवेट इनेबल नहीं किया गया है, वो भी कारण हम जान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतने हमने फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन देखे जो कि अक्सर हमें जो समस्याएं आती हैं वो सारी समस्याएं देखी, उनका हल देखा, उनका जनपद ग्राम पंचायत और जो जिला लॉगिन है, मतलब ग्राम पंचायत जनपद पंचायत और जिले लॉगिन से क्या क्या जो है अपडेशन हो सकता है, सुधार कार्य हो सकता है, वो हमने देखा। इसी प्रकार दोस्तों हम और भी जो भी छोटी से बड़ी चीज़ें आएंगी और दोस्तों इसको डिटेल में भी मैं जो है पोर्टल के माध्यम से भी कर आपको धीरे धीरे बताते रहूंगा। तो दोस्तों इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए, आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन या सुपर थैंक्स के जरिए कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।